चार दिन के रिलेशन में 40 घंटों की बातें करके अगले 40 साल की प्लानिंग कर ली, और जब वही अगले 4 दिन में जब वो छोड़ कर गई तो उससे अगले 4 दिनों में 40,000 की दारू पीकर कह रहे हो कि ठुकरा कर मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ऐसा क्यों होता है कि यार जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो हम ये सोचते हैं कि यार अब मैं उसको उसकी औकात दिखा दूंगा। मुझे एक बात नहीं समझ आती है कि यार जब रिश्ता टूट जाता है तो क्यों हम उसे बदनाम करने में निकल जाते हैं, क्यों हम वो कि उससे बदला लेना है इस चीज में निकल जाते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो प्यार है वो बहुत ही खूबसूरत एहसास है। किस्मत वाले होते हैं कि जिनको उनका प्यार मिल जाता है, पर हां इसका मतलब ये नहीं है कि यार हर एक लड़का हर एक लड़की बेवफा है। कई बार ऐसा होता है कि यार हम किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और वो हमारा विश्वास तोड़ देता है। तो एक सवाल हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है कि यार उसको भुलाएं कैसे। पता है इंसान अगर ठानने पर आए ना तो यार वो हर चीज भुला सकता है, और अगर वो ये ठान लेना कि मुझे नहीं भूलना है तो यार अगर आप किसी से रास्ते में टकराते हो ना, आपको पूरी जिंदगी उसकी ना तस्वीर आपके दिमाग में कैद हो जाती है। पता है फिल्मों में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पर रियल लाइफ में मैं बताऊं कि जो यादें होती हैं ना वो बोझ होती हैं। जितना आप उनको अपने कंधे पर ढोकर निकलोगे ना उतना वो आपको नुकसान देंगी। दिल टूटना जो है यार वो बहुत लाजमी चीज है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो कितना अमीर क्यों ना हो, चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो, कि उसका दिल ना टूटा हो। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि यार सिर्फ पैसे पर लड़कियां मरती हैं, गुड लुक्स पर लड़कियां मरती हैं। मैंने ऋतिक रोशन का भी दिल टूटते देखा है। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि जो लड़की बहुत सुंदर हो उसका कभी दिल नहीं टूट सकता। मैं हमेशा एक थ्योरी में बिलीव करता हूं कि किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। देखो यार फिल्मी दुनिया जो है ना वो बहुत अलग है रियल लाइफ से। दिल टूटने के बाद जरूरी नहीं है कि यार बंदा वो ठुकरा के मेरा प्यार वाला जो सीन था कि वैसे लेवल पे पहुंच जाए, और दिल टूटने के बाद यह भी जरूरी नहीं है कि बंदा यार देवदास ही बन जाए। कुछ लोग पता है एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इंसान भी बन जाते हैं। पता है दिल टूटने को ना यार आप एक सबक की तरह ले सकते हो। ब्रेकअप से बड़ा ना मतलब कोई आपको मोटिवेशन मिल ही नहीं सकता है। ब्रेकअप का ना टाइम वो होता है कि जब आप जिंदगी के बहुत निचले पड़ाव पर होते हो और आपको वो ये लगता है यार कि अब मैं बिल्कुल खत्म हूं। जब इंसान जीरो पर होता है ना यार पता वो कहीं भी उठ सकता है। बहुत कॉमन आपको जब ये आप टाइप करोगे ना अपने पास्ट को कैसे भुलाएं, हाउ टू फॉरगेट समवन, जब हाउ टू डालोगे ना सजेशन में फॉरगेट समवन बहुत ऊपर आता है। द रीजन इज कि हम ढूंढ रहे हैं यार जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब हम कहीं और ढूंढने निकल चुके हैं, जबकि उनके जवाब जो है ना वो हमारे अंदर ही हैं। किसी को अगर आपको भुलाना है, किसी की यादों से आपको बाहर निकलना है तो खुद पर काम करो। जो मैं डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं वो डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन आपका गोल आपका एम बन सकता है। सुनो जो ये एक्स का नाम अपनी इंस्टा की आईडी में लेकर घूम रहे हो ना, ये जो उसके नाम को अभी भी अपना पासवर्ड बनाकर घूम रहे हो ना, बाहर निकल जाओ यार इन चीजों से। उसने कब के तुम्हारे दिए वो खत जला दिए हैं। अच्छा आपको एक और चीज बताता हूं मैं कि कैसे पता लगाना जो आपका दोस्त है वो भी यही अपनी एक्स के लिए पागल है। उसका नाम उठाना, जो उसकी इंस्टा आईडी उठाना, अगर उसमें आपको कोई भी लेटर ऐसा लगे ना यार ये लेटर तो मैच खाता ही नहीं है, इस डेट से तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, समझ जाना। तो यार जोक सपाट इन चीजों से ऊपर उठो। प्यार जो है वो बहुत खूबसूरत एहसास है, और जब तक नहीं मिलता है तो हम उसे गाली देते रहते हैं, पर हकीकत ये है कि जिस दिन हम बदले की भावना लेकर अपने मन में निकलेंगे ना
हम उन यादों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर यूं कभी रोड पर जाते हुए आपकी नजरें टकरा गई आपके एक्स से या आपकी एक्स से, तो जब आप उसकी तरफ देखो ना तो भी मुस्कुराना मत भूलना।